दोस्तों हस्क्वर्ना स्वाट पिलन 401 और विट पिलन 401 ये दोनों बाइक्स 2020 में ही इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हस्क्वर्ना स्वाट पिलन 401 और विट पिलन 401 के बारे में। अगर आप इन दोनों बाइक्स का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपडेट है। सो अगर आपको इन दोनों बाइक्स के बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका किसी भी बाइक को लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों हस्क्वर्ना की 400cc बाइक्स स्वाट पिलन 401 और विट पिलन 401 2020 में ही इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने वाली हैं। हस्क्वर्ना ऑफिशियल्स की तरफ से ही ये कंफर्म हो चुका है कि ये दोनों बाइक्स 2020 के एंड तक इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च हो जाएंगी। एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के थ्रू हस्क्वर्ना ने ये कंफर्म किया है कि वो स्वर्ट पिलन 401 और विट पिलन 401 को बहुत जल्द ही इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च करेंगे। दोस्तों हस्क्वर्ना ने सबसे पहले 250cc सेगमेंट की बाइक्स को इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च किया था, और उन दोनों बाइक्स की लॉन्च होने के बाद से हम वेट कर रहे हैं 200cc सेगमेंट की बाइक्स का। स्वर्ट पिलन 200 को लॉन्च करने से पहले हस्क्वर्ना 401 और विट पिलन 401 को लॉन्च करेगी, और ये दोनों बाइक्स आपको 2020 में ही मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों बजाज की पुणे फैक्ट्री में हस्क्वर्ना की इन दोनों बाइक्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों वैसे तो हस्क्वर्ना की 401 सीरीज इंटरनेशनल टूलर मार्केट में अवेलेबल है। स्वर्ट पिलन 401 एक स्क्रैम्बलर टाइप की नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है, और विट पिलन 401 एक कैफे रेसर टाइप की बाइक है। हस्क्वर्ना ने इन दोनों बाइक्स को EICMA 2019 में सबसे पहले शोकेस किया था, लेकिन दोस्तों इंडिया के अंदर हमें इन दोनों बाइक्स में न्यू कलर्स देखने को मिलेंगे और अपडेटेड बॉडी ग्राफिक्स भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही इन दोनों बाइक्स के अंदर 40mm लॉन्गर सब फ्रेम होगी और लार्जर रियर सीट होगी। दोस्तों लॉन्च के बारे में अगर बात करें तो हस्क्वर्ना इन दोनों बाइक्स को नवंबर के एंड तक या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में लॉन्च कर सकती है, और प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इन दोनों बाइक्स का एक शोरूम प्राइस होगा 250,000 के आसपास, और दोनों बाइक्स का ऑनरोड प्राइस होगा 3,00,000 रुपए के अंदर। दोस्तों इंजन और कंपोनेंट्स के बारे में अगर बात करें तो ये बाइक्स इन सभी कंपोनेंट्स को ड्यूक 390 के साथ शेयर करती है, क्योंकि इन दोनों बाइक्स के अंदर ड्यूक 390 वाला 373.3cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 43.5 PS और मैक्सिमम टॉर्क है 37 Nm विद 6-स्पीड ट्रांसमिशन, और असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी इन दोनों बाइक्स के अंदर देखने को मिलेगी। चेसिस के बारे में अगर बात करें तो ये दोनों बाइक्स भी स्टील ट्रेलिस फ्रेम पे बेस्ड होंगी, जिनके अंदर 43mm के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे, और रियर में वाइड पावर एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन होगा। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इन दोनों बाइक्स के अंदर 320mm की फ्रंट डिस्क होगी विद 4 पिस्टन कैलिपर्स, और 230mm की रियर डिस्क होगी विद सिंगल पिस्टन कैलिपर, और साथ में स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ABS भी देखने को मिलेगा। टायर्स के बारे में अगर बात करें तो हस्क्वर्ना की इन दोनों बाइक्स के अंदर 110/70 सेक्शन का फ्रंट टायर होगा, 150/60 सेक्शन का रियर टायर होगा। दोनों बाइक्स के डायमेंशंस के बारे में अगर बात करें तो इनकी फ्यूल कैपेसिटी है 9.5 लीटर्स की। दोस्तों 400cc सेगमेंट की बाइक्स के अकॉर्डिंग इन दोनों बाइक्स की फ्यूल कैपेसिटी काफ़ी कम है, लेकिन दोनों बाइक्स का वेट काफ़ी कम है जो है 152 kg। सो इन दोनों बाइक्स का पावर टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा है। इन दोनों बाइक्स की सीट हाइट है 835mm, तो ये दोनों बाइक्स टॉल राइडर्स के लिए तो कंफर्टेबल हैं, लेकिन शॉर्ट राइडर्स के लिए दोनों बाइक्स बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होंगी। दोस्तों हस्क्वर्ना की इन दोनों बाइक्स के अंदर 17 इंच के स्पोक्ड व्हील्स होंगे, जिनकी वजह से आप इन दोनों बाइक्स के साथ थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो दोनों बाइक्स के अंदर ऑल LED लाइट्स का सेटअप है। फ्रंट में LED हेडलाइट, LED DRLs, LED इंडिकेटर्स, और रियर में LED टेल लाइट है। कॉम्पैक्ट साइज फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल होंगे। दोस्तों डिज़ाइन और स्टाइल के बारे में अगर बात करें तो दोनों ही बाइक्स का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। दोनों बाइक्स के टैंक श्राउड्स काफ़ी अच्छे हैं, दोनों काफ़ी मस्कुलर आई कैची डिज़ाइन वाली बाइक हैं, और दोनों ही काफ़ी अच्छी फन टू राइड मशीन होने वाली हैं। तो दोस्तों इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि दोनों बाइक्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों बाइक्स के अंदर 390 ड्यूक वाला सेम इंजन है, तो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये दोनों बाइक्स अपनी सेगमेंट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बाइक होने वाली हैं, और दोनों बाइक्स के अंदर काफ़ी अच्छे प्रीमियम कंपोनेंट्स भी देखने को मिलेंगे। ड्यूक 390 के साथ ये दोनों बाइक्स भी 3,00,000 रुपए के अंदर एक प्रीमियम मशीन होंगी, लेकिन दोस्तों इन दोनों बाइक्स की सबसे बड़ी कमी ये होगी कि इनकी फ्यूल कैपेसिटी बहुत कम रहने वाली है, और दोनों बाइक्स की सीट हाइट भी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन बाकी सभी फीचर्स दोनों बाइक्स के काफ़ी अच्छे हैं। दोनों बाइक्स के अंदर क्लास लीडिंग फीचर्स हैं, और परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। दोस्तों हस्क्वर्ना स्वाट पिलन 401 और विट पिलन 401 इन दोनों बाइक्स के अंदर सिर्फ एक ही मेन डिफरेंस है, जो है दोनों बाइक्स का राइडिंग पोस्चर। स्वर्ट पिलन 401 के अंदर अपराइट राइडिंग पोस्चर है, क्योंकि उस बाइक के अंदर बार टाइप हैंडल बार है, और विट पिलन 401 के अंदर काफ़ी लीन और एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर है, क्योंकि उस बाइक के अंदर क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार है।
और उसी वजह से वो बाइक एक कैफे रेसर टाइप की बाइक है। सो दोस्तों, इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 400 सीसी नेकेड सेगमेंट के अंदर डोमिनार 400 और ड्यूक 390 है, लेकिन 2020 में ही हस्क्वर्ना स्वार्ट पिलन 401 और विट पिलन 401 को लॉन्च करने वाली है। तो इन चारों बाइक्स में से आपकी फेवरेट कौन सी बाइक है, या फिर आप इन चारों में से कौन सी बाइक परचेज करोगे, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो दोस्तों, आज की वीडियो थी हस्क्वर्ना स्वार्ट पिलन 401 और विट पिलन 401 के बारे में। ये दोनों बाइक्स बहुत जल्द ही इंडियन टू व्हीलर मार्केट में देखने को मिलेंगी। हस्क्वर्ना की तरफ से इन दोनों बाइक्स का लॉन्च होना कंफर्म हो चुका है, लेकिन दोस्तों अभी तक इन दोनों बाइक्स की लॉन्च डेट कंफर्म नहीं हुई है। इन दोनों बाइक्स की ऑफिशियल लॉन्च डेट भी हमें कुछ टाइम बाद पता चल जाएगी। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।